नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको पता है नेशनल करंट अफेयर के साथ में हम इस सेशन में इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी इंक्लूड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 1 सितंबर से लेके आज तक यानी कि 12 सितंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सब का यहां एनालिसिस करेंगे। पहला सेगमेंट होगा आज का हमारा राष्ट्रीय खंड यानी कि नेशनल सेगमेंट, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट को हाल ही में यानी कि 9 सितंबर 2020 को जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। इस रिपोर्ट का नाम है बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020 यानी कि लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या कहता है बाल मृत्यु दर के मामले में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो बाल मृत्यु दर है वो 1990 और 2019 के बीच में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। 1990 में बाल मृत्यु दर जो है वो 126 था पर 1000 और अब 2019 में यह घटकर सिर्फ रह गया है 34। तो आप देख सकते हो कि 126 से 34 यानी कि आप कह सकते हो कि इस 30 साल में भारत ने बाल मृत्यु दर को काफ़ी कंट्रोल किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन अभी भी आज के समय पर अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो बाल मृत्यु होती है वो दो देशों में होता है। लगभग ये 1/3 अगर विश्व का बाल मृत्यु दर ले लें तो 1/3 बाल मृत्यु दर जो है भारत और नाइजीरिया ये दो देशों में होता है। भारत में 1990 और 2019 के बीच 4.5% की वार्षिक कमी देखी गई है यानी कि इस 29 से 30 सालों में हर साल अगर औसत आप निकालोगे तो 4.5% की बाल मृत्यु दर हर साल कम होती नजर आई है। इसके अलावा 1990 में भारत में वार्षिक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु संख्या है वो 3.4 मिलियन था। ये कब 1990 की बात है। और 2019 में अगर आप देखोगे तो यह संख्या 8,24,000 रह गया है। कहने का मतलब है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी मृत्यु 1990 में 3.4 मिलियन हुआ करता था यानी कि 34 लाख, और 2019 में 8,24,000 ये घटकर हो गया है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा और इस रिपोर्ट के साथ में इस आंकड़ों को मेंशन कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, मुख्य परीक्षा में बहुत काम आ सकता है, 1 डे एग्जाम में भी बहुत काम आ सकता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो 5 साल से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है 1990 में 12.5 मिलियन हुआ करता था जो 2019 में घटकर सिर्फ 5.2 मिलियन रह गया है। क्लियर है। इसके अलावा भारत में नवजात मृत्यु दर कहने का मतलब है जो बच्चे तुरंत जन्म लेते हैं और जिनकी मृत्यु हो जाता है उसे नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। और 1990 में जो है प्रति हज़ार बच्चे जन्म लेते थे जिसमें से 57 बच्चों का डेथ हो जाता था और ये घटकर 2019 में 22 हो गई है। क्लियर है। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, 1990 में 5 वर्ष से कम आयु के लड़की की मृत्यु दर जो है वो 122 थी यानी कि 1,000 पे 122 जो है वो लड़कों की मृत्यु हो जाया करती थी और यही दर जो है लड़कियों की वो 131 था। लेकिन 2019 में यह दर लड़कों में घटकर 34 और लड़कियों में 35 हो गया है। तो इस तरह से कुछ जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, चाहे लड़कों का बताया चाहे लड़कियों का बताया या फिर जो भारत में अलग अलग कंपैरिजन करके बताया 1990 से 2019 से, तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्लियरली माइंड में नोट डाउन करके रखिएगा या तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक एक पॉइंट में आप वहाँ पर अच्छे से नोट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साक्षरता दर रिपोर्ट। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस यानी कि 8 सितंबर के अवसर पर NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा साक्षरता दर रिपोर्ट जारी किया गया यानी कि लिटरेसी रेट रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता दर है वो 77.7% है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखोगे ग्रामीण इलाकों में जो साक्षरता दर है वो 73.5% है।
इस रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन जब आप शहरी इलाकों में जाते हो तो ये बढ़कर आपको दिखने को मिलता है 87.7%। ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? 77.7%। वहीं अगर देश में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है भारत में? 84.7% और महिलाओं की कितनी है? 70.3%। क्लियर है? तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की जो लिटरेसी रेट है वो किस प्रकार से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं कहाँ खड़ी हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वन डे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मुख्य परीक्षा देने वाले हो किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम का, तो वहाँ भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसके बाद हम राज्यों की स्थिति देखते हैं कि लिटरेसी रेट में राज्य कहाँ पर खड़े हैं। तो अगर सबसे बेहतर राज्य देखें लिटरेसी रेट के मामले में तो आपका केरल है 96.2%, उसके बाद दिल्ली आ जाता है 88.7%, उसके बाद उत्तराखंड 87.6%, हिमाचल प्रदेश 86.6% और असम 85.9%। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों की स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आंध्र प्रदेश जो है लिटरेसी रेट के मामले में सबसे नीचे है, यहाँ का लिटरेसी रेट मात्र 66.4% है, राजस्थान 69.7% और बिहार 70.9%। और जो एवरेज स्टेट हैं जैसे तेलंगाना का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, इनके बारे में भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ये पुरुष का मैं बता ही चुका हूँ, महिलाओं का मैं बता ही चुका हूँ। चलिए क्लियर है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, राज्यों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 हाल ही में जारी किया गया है वित्त मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। और यह जो रैंकिंग है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जारी किया गया है। इस रैंकिंग को जारी करने के पीछे का अगर उद्देश्य देखोगे तो इसके नाम में ही आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। कौन से राज्य में कितने बेहतर तरीके से व्यापार करना आसान है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे उस राज्य में इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, तो कौन सा राज्य सबसे सुगम है, कौन से राज्य की सबसे बेहतर पॉलिसी है, इन्हीं सब कुछ पैरामीटर्स के आधार पर इस रैंकिंग को रिलीज किया जाता है। ये चौथा संस्करण है, इससे पहले 2018 में आया था और ये रैंकिंग जो है 2019 का है। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश जो है वो फिर से एक बार पहले पायदान पर है और यह लगातार तीसरा मौका है जब आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। तो तीन बार तो आंध्र प्रदेश ही पहले स्थान पे आ गया, और जब इसका पहला संस्करण रिलीज हुआ था तो गुजरात पहले स्थान पे था। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में देखा गया है। उत्तर प्रदेश जो है 2018 की रैंकिंग में 12वें स्थान पे था और 2019 की रैंकिंग में 10 स्थान सुधार करके सीधा दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, आपसे दूसरा स्थान भी पूछा जा सकता है, तो दूसरे स्थान पे है आपका उत्तर प्रदेश जो कि 12वें स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गया है, ठीक है। और तेलंगाना जो 2018 में दूसरे स्थान पे था वो एक स्थान फिसलकर तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। और एक महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड और याद रखिएगा, विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिलीज की जाती है। अगर देशों के संदर्भ में देखोगे तो वर्ल्ड बैंक जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हर साल रिलीज करता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है और आप लोग इसे पढ़ते भी हो और परीक्षा में पूछा भी जाता है इसे प्रश्न। तो राज्यों की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आपको तो याद रखना ही है, लेकिन आप वर्ल्ड बैंक का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी याद रखिएगा। तो अगर लेटेस्ट रिपोर्ट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का देखें तो लास्ट टाइम 2019 का रिलीज किया गया था। 2014 से अगर हम कंपेयर करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में देश की रैंकिंग, तो 2014 में 142वें स्थान पर था भारत, जो कि सीधे 63वें स्थान पर पहुंच गया। यानी कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में व्यापार 2014 के कंपैरिजन में बहुत ही सुगम हुआ है, चाहे एक्सपोर्ट, चाहे इंपोर्ट, चाहे इन्वेस्टमेंट, हर एक क्षेत्र में भारत ने बेहतर काम किया है। ये कौन कहता है? वर्ल्ड बैंक का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग या रिपोर्ट कहता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ स्टेट्स के यहाँ पर टॉप 10 स्टेट्स के रैंकिंग देख लेते हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा आपका झारखंड, छठवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 2018 में भी छठवें स्थान पे था, हिमाचल प्रदेश सातवां, आठवां राजस्थान, पश्चिम बंगाल 9th और गुजरात 10th नंबर पे। क्लियर? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लॉन्च किया गया
10 सितंबर 2020 को। इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी कि मछली पालन से जुड़े हुए किसानों के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के साथ में एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, ई गोपाला एप्लीकेशन, जो गौपालक होते हैं उनकी सुविधा के लिए एक ई गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो हम बात कर रहे थे इस योजना की, तो इस योजना में भारत मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत विकास को केंद्रित करना चाहता है और इस योजना को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए, यानी कि आप कह सकते हो कि यह एक पंचवर्षीय योजना है। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों के लिए जो बजट का प्रोविज़न रखा गया है वो 20,050 करोड़ रुपये का रखा गया है और यह मछली पालन के क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, अगर आप इसका लक्ष्य देखोगे इस योजना का, तो 2024-25 तक मछली उत्पादन को 17 लाख टन तक बढ़ाना है, यानी कि अगर आप 2024-25 तक देखोगे 17 लाख टन बढ़ाने की बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन बढ़कर कितना हो जाएगा 2024-25 तक 220 लाख मिलियन टन। तो इसको भी ध्यान से रखिएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य जो मछली पालन क्षेत्र से जुड़े हुए किसान हैं उनकी आय को दुगना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इस योजना मत्स्य क्षेत्र में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 55 लाख जो है वो रोज़गार पैदा करेगा। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मस्ट इम्पॉर्टेंट है वन डे एग्ज़ाम के लिए भी और आपके बाकी जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए भी। क्लियर, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोनिस्ट्रेटर व्हीकल, जिसे कि हाल ही में डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा इसे हाल ही में तैयार किया गया है। आप इसे एक रॉकेट की तरह कह सकते हो कि यह एक रॉकेट है जिसका नाम है HSTDV, शॉर्ट में आप इसे कह सकते हो, जिसका मतलब है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोनिस्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, इसका हाल ही में सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्चिंग किया गया है। यह जो है एक मानव रहित स्क्रैमजेट प्रमाणित विमान है जो कि हाइपरसोनिक गति से यात्रा करता है। हाइपरसोनिक गति की यात्रा का मतलब है कि जो ध्वनि के आवाज़ से अधिक तीव्र गति से यात्रा करे वो हाइपरसोनिक कहलाता है। और यहाँ पर स्क्रैमजेट का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि स्क्रैमजेट जो है एक हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का रॉकेट है। ठीक है, इसमें हाइपरसोनिक एयर विदिंग स्क्रैमजेट जो है तकनीक का उपयोग किया गया है। यह विमान ध्वनि की गति से 6 गुना अर्थात Mach 6 के वेग से अपने इच्छित उड़ान पथ पर यात्रा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि हाइपरसोनिक सुपरसोनिक क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर मैक्स संख्या के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बोला कि इसकी जो रफ्तार है वो Mach 6 के बराबर होगी या फिर उससे अधिक होगी। और यह जो है, तो मैक क्या होता है, मैक जो है हवा में ध्वनि की गति की तुलना में एक विमान की गति का वर्णन करता है, जिसमें Mach 1 जो है ध्वनि की गति के बराबर होता है और अगर Mach 2, Mach 3 इस तरह से होता है तो ध्वनि की गति से ज़्यादा जो है उसकी रफ्तार होती है, यानी प्रति सेकंड एक मैक इज इक्वल टू प्रति सेकंड होता है कितना 343 मीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो रॉकेट होते हैं, जो मुख्य रूप से रॉकेट होते हैं और आज के टाइम पर जो एडवांस रॉकेट है वो हाइपरसोनिक टाइप के रॉकेट होते हैं, जिसकी जो स्पीड है वो Mach 5 से अधिक होती है, वो हाइपरसोनिक रॉकेट होते हैं। और जो आप देखते हो, आप फाइटर जेट देखते हो, वो सुपरसोनिक टाइप का उसमें इंजन लगा होता है जिसमें जो उसकी रफ्तार होती है Mach 1 से अधिक होता है। और एक होता है ट्रांसोनिक, आप जिस फ्लाइट में बैठते हो उसके इंजन जो है वो ट्रांसोनिक होता है, जिसकी जो रफ्तार है वो Mach 1 होता है, यानी कि एक सेकंड में 343 मीटर की जो है ये दूरी तय कर सकता है। और इसके बाद सबसोनिक होता है और उसकी जो रफ्तार है Mach 1 से कम होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हो। क्लियर है, चलिए इसके बाद यह परीक्षण कहाँ पर हुआ है इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। इस परीक्षण को किया गया है उड़ीसा के तट पर, जिसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। APJ कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से जो है इसका परीक्षण किया गया है। और ख़ास बात, एक और ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है इस तकनीक को विकसित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो DRDO के इस व्हीकल के बारे में याद रखिएगा, जिसका नाम है HSTDV। ये खास इसलिए भी हो जाता है कि इसकी स्पीड इतनी अधिक होती है,
हाइपरसोनिक है, यानी कि मैक 6 के आसपास इसकी स्पीड है। तो इसकी अधिक स्पीड की वजह से कभी कभी जो है दुश्मन का जो रडार होता है उसके रडार में भी नहीं आता है। तो इसीलिए भारत को ये बहुत खास बनाता है DRDO का HSTDV। क्लियर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैनोबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। कैनेडा के सहयोग से जम्मू कश्मीर में स्थापित होने वाली पहली कैनबिस, जिसे हम लोग भांग भी कहते हैं, भांग मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि होली में जिसे आप लोग शरबत में मिलाकर पीते हो ना, वो भांग होता है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैनबिस भांग जो है मेडिसिन परियोजना केंद्र शासित प्रदेश का पहला विदेशी निवेश है, यानी कि जम्मू और कश्मीर में पहला जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना है। और पहला इन्वेस्टमेंट किसकी तरफ से किया गया है, कैनेडा की तरफ से किया गया है, जो कैनबिस से यहाँ पर मेडिसिन बनाया जाएगा। और इस परियोजना केंद्र को स्थापित किया गया है भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान में। क्लियर है। जम्मू कश्मीर में स्थित है ये, और भांग के पौधे से दवा विकसित करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला स्थान होगा, यानी कि पूरे भारत में भांग से पहला जो दवाई बनेगा वो जम्मू कश्मीर में बनेगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि इंटरनेशनल सेगमेंट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इंटरनेशनल सेगमेंट का जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10वें पूर्व एशिया विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। इसका जो मेन शिखर सम्मेलन होता है इसके सदस्य देशों के प्रमुखों के बीच में होता है, लेकिन इसके अलावा विदेश मंत्रियों का भी एक सम्मेलन होता है जो कि 10वां पूर्व एशिया विदेश मंत्रियों का, पूर्वी एशिया विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हुआ है, ये 10वां है। और जो मेन शिखर सम्मेलन है वो लगभग 14 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुका है। 2020 में 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित होना था लेकिन COVID-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो रखा है, ठीक है। तो विदेश मंत्री जो हमारे देश के हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है जो कि जिनका नाम है मुरलीधरन, इन्होंने COVID-19 महामारी सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास पर आयोजित जो है 10वें पूर्ण एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। और खासकर अभी जितने भी शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है उस सारे शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है मुख्य फोकस उसमें है, जो मुद्दा है वो है आपका COVID-19 और COVID-19 से जो इम्पैक्ट पड़ा है खासकर अर्थव्यवस्था पर। इन्हीं सब मुद्दों के बीच में जितने भी सबमिट होस्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, सब इन्हीं मुद्दों पर हो रहे हैं। तो जो विदेश मंत्रियों का यह पूर्वी शिखर सम्मेलन हुआ वो भी इसी मुद्दे पर था। तो ध्यान रखिएगा 10वां है ये पूर्व एशिया विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। यहाँ पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यह 2005 में स्थापित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। पहला पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है वो कुआलालंपुर में 2005 में आयोजित किया गया था। कुआलालंपुर कहाँ है, मलेशिया में स्थित है। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है खास इसलिए होता है क्योंकि ये विश्व जनसंख्या का 50% जनसंख्या इसके पास में है। और टोटल ग्लोबल अगर ट्रेड की बात करें तो 20% का ट्रेड जो है वो ये करता है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका के बाद जो विश्व की अर्थव्यवस्था का तीसरा ध्रुव माना जाता है वो पूर्वी एशिया कंट्रीज़ को ही माना जाता है, यानी कि इसके मेंबर्स को ही माना जाता है। और इस शिखर सम्मेलन में चार जो प्रमुख बड़ी अर्थव्यवस्था या फिर बड़ी आर्थिक जो है वो खिलाड़ी कह लो उसमें शामिल है, चीन, जापान, भारत और साउथ कोरिया। क्लियर है। तो इस तरह से आप पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत अमेरिका इजराइल शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत जो है 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर किया गया था, ठीक है। भारत, इजराइल और अमेरिका ने हाल ही में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजित किया है, त्रिपक्षीय इस शिखर सम्मेलन को आप कह सकते हो। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान ये जो तीनों देश हैं, भारत, इजराइल और अमेरिका, एक साथ जो है 5G तकनीक पर काम करने का फैसला लिया है, यानी कि 5G टेक्नोलॉजी को जो विकसित किया जाएगा वो भारत, अमेरिका और इजराइल द्वारा जो है वो मिलकर किया जाएगा। और जैसा मैंने बताया 2017 में इजराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेशकश किया था कि एक त्रिपक्षीय सम्मेलन की शुरुआत किया जाए। तो कुछ एक दो पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। इसमें भी विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन होता है और एक जो मेन शिखर सम्मेलन होता है उसमें इनके सदस्य देशों के जो प्रमुख होते हैं वो हिस्सा लेते हैं,
ठीक है। तो विदेश मंत्रियों का ये शिखर सम्मेलन है जिसके बैठक में हिस्सा लिया हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है, विदेश मंत्रियों की परिषद की यह तीसरी बैठक हुई है जिसमें भारत SCO के पूर्ण सदस्यता के रूप में हिस्सा लिया, जो कि तीसरी बार है, ठीक है। अब आपको तो पता है कि SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2017 में भारत को पूर्ण सदस्यता मिली थी, और भारत के साथ जिस देश को पूर्ण सदस्यता मिला था वो आपको पाकिस्तान को भी मिला था, और इससे पहले जो दो बैठकें हुई हैं वो अप्रैल 2018 में भारत पहली बार, और बीजिंग में जब मई 2019 में हुआ, बीजिंग में 2018 में और मई 2019 जो कि बिश्केक में हुआ, वहाँ पर भारत ने हिस्सा लिया था इसके शिखर सम्मेलन में, ठीक है। SCO की अगर हम बात करें, संघाई सहयोग संगठन, तो कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से आप बताता हूँ, 1996 में संघाई फाइव नाम से यह ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें पांच देश थे, चीन, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये पांच कंट्रीज थे। उसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को शामिल किया जाता है, तो कितने हो जाते हैं, छः, और 2001 से ही इसका नाम जो है वो कर दिया जाता है SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। और उसके बाद 2017 में दो देशों को और शामिल किया जाता है, भारत और पाकिस्तान, उसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो आठ हो जाती है। तो वर्तमान समय में भी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या आठ है, और संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो चीन की राजधानी बीजिंग में है। तो नाम से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, नाम में अगर संघाई जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी संघाई में होगा। संघाई इसलिए इसका नाम है क्योंकि 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ तो उस समय जो मीटिंग है उस समय संघाई में ही हुआ था, क्लियर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। हाल ही में इसे जारी किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है ये, और इससे जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत पहली बार जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 50 देशों के समूह में शामिल हुआ था। इसके अलावा इस रैंकिंग को रिलीज़ किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ है, जबकि सेकंड पे स्वीडन है और थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। और वहीं ब्रिटेन और नीदरलैंड जो है इस इंडेक्स में चौथे और पाँचवें स्थान पर है, ठीक है। तो भारत की स्थिति याद रखिएगा, भारत की स्थिति में और कुछ अगर बेहतर आप जानना चाहते हो तो भारत ने सबसे बेहतर काम किया है इस इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार स्टार्टअप में। भारत को अगर पिछले 10 सालों में देखें तो इनोवेशन इकोसिस्टम के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें लगभग 50,000 स्टार्टअप्स के साथ जो है भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद विश्व का तीसरा ऐसा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है स्टार्टअप के क्षेत्र में। भारत और किसके बाद, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वर्ष जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने चार स्थानों का सुधार किया है। 2019 में भारत 52nd रैंकिंग पे था और इस साल 48th रैंकिंग पे है। खास इंपॉर्टेंट यही है वन डे एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो पहली बार 2007 में इसको रिलीज़ किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो नए नए तकनीक को ढूंढना, नए नए तकनीक के आविष्कार का जो है यहाँ पर परीक्षण करना। वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन जो है प्रत्येक वर्ष कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसिड बिजनेस स्कूल और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जाता है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, इसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी कहा जाता है। इसमें विश्व के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया जाता है, और अगर हम वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें भारत का
एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। सबसे पहले अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें वर्ल्ड में, तो पहले नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, दूसरे नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तीसरे नंबर पे आता है UCL यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है इंपीरियल कॉलेज लंदन, इसके अलावा पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां किस प्रकार से है रैंकिंग में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। भारत की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इस साल भी यानी कि 2020 के इस रैंकिंग में IIT बॉम्बे जो है भारत में टॉप पर है। इसका जो रैंकिंग है 152 है, 2019 में 162 था और 2018 में 179 था, यानी कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है। सेकंड नंबर पे आ जाता है इस रैंकिंग के अनुसार IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर थर्ड, IIT मद्रास फोर्थ, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। तो इस तरह से भारत के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इस रैंकिंग के अनुसार ग्लोबल रैंकिंग उनका किस प्रकार से है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस सेगमेंट का नाम है मिसलेनियस, यानी कि कुछ मिसलेनियस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका भी यहाँ पर फटाफट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश के पत्रकार हैं डेविस एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 सितंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें एक वर्चुअल कार्यक्रम में जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सारे जितने भी होते हैं ना पुरस्कार, अवार्ड्स, ये सब जितने मिसलेनियस के टॉपिक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वन डे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस पुरस्कार के लिए डेविस एटनबरो का जो चयन है वो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन भी हो गया प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले बेंच की तरफ से इनका जो है वो चयन किया गया था। इनके बारे में अगर हम जाने तो 8 मई 2026 को यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था और इन्हें जो है बाफ्टा के अंतर्गत साल 2019 में भी इन्होंने पुरस्कार जीता था और शांति के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। इस ट्रस्ट के अनुसार यानी कि इंदिरा गांधी जो ट्रस्ट है वो उनके अनुसार इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, इसलिए इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के बारे में जाने तो यह पुरस्कार जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। यह पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण, पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न हस्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए नगद राशि और प्रशस्ति पत्र जो है वो वितरित किया जाता है। क्लियर है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केशवानंद भारती जी का निधन हो गया। केशवानंद भारती जी के बारे में दी करंट अफेयर शो में मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया था जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन किया था, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। केशवानंद भारती बहुत ही एक प्रसिद्ध नाम है, खासकर जब आप पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो केशवानंद भारती का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि 1970 के डिकेड में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस है वो बहुत ही प्रसिद्ध होता है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे अहम फैसला हुआ था कि संसद जो है वो संविधान के मूल भावना को संशोधित नहीं कर सकती, मूल यानी कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं करती कर सकती, कहने का मतलब है उसका बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये जो वर्डिक्ट है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही दिया गया था। तो केशवानंद भारती जी का जो है वो 6 सितंबर 2020 को केरल के एडनेर मठ के प्रमुख ये भी माने जाते हैं, वहीं इनका निधन हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि संवैधानिक संशोधन 25, 26, 29, 31 को इन्होंने चुनौती दिया था सुप्रीम कोर्ट में, इस पर मैंने पूरा एक ब्रीफ में वीडियो बनाया गया, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है केशवानंद भारती केस से संबंधित, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और केशवानंद भारती के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि ये इडनेर मठ के प्रमुख थे और यह इडनेर मठ जो है वो केरल में स्थापित है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किनकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में। एक राजनेता के अलावा एक दार्शनिक और विद्वान भी थे। 1952 और 62 के बीच में देश के पहले उपराष्ट्रपति, उसके बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने 1962 और 1967 के बीच में। ठीक है, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम लोगों में से एक थे और इनके साथ जो है राजगोपालाचारी
तथा सीवी रमन को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जब इनको दिया गया था और इन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1963 में सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इसलिए खास हो जाता है कि देश के प्रमुख शिक्षाविदों यानी कि शिक्षकों को इस दिवस जो है राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। और 2020 में जो है वो टोटल 47 शिक्षकों को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न शिक्षक विदों का जो है वो सम्मान किया गया है। तो ये 47 नंबर याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता का जो शुभ आरंभ है वो केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और मैनेजमेंट के संदेश को जो है वो लोगों तक पहुँचाना है, यानी कि पानी को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए आप इसे कह सकते हो जन आंदोलन बनाना, जल चेतना को मजबूत करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य में से एक है वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है 1 से 5 मिनट में वीडियोस के माध्यम से किया जाएगा, 300 शब्दों के में लिखने के लिए भी किया जाएगा और इसमें टॉप 10 प्रविष्टों को जो है पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा और जो चयनित प्रविष्ट होंगे उनको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो खासकर यह प्रतियोगिता क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इस तरह से 1-2 पॉइंट पर आप यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। इसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स पे हमने एनालिसिस किया। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।